अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। सबसे बड़ा अहित जो है वो वादकारियों का होगा। अधिवक्ता का हित तो बाद में होगा, वादकारियों का अहित ज्यादा होगा। शासन और हाई कोर्ट का यह आदेश बिल्कुल निरस्त किए जाने योग्य है। दीवानी अदालत के मुख्य गेट पर अधिवक्ताओं की बगावत और प्रदर्शन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की, जहां योगी सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला है। अदालतों में कामकाज ठप करके मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। अधिवक्ताओं का साफ कहना है, हमारी मजबूरी है, सरकार के खिलाफ आंदोलन जरूरी है। दरअसल योगी सरकार ने सुल्तानपुर जनपद में कादीपुर पुलिस सर्किट के दोस्तपुर अखंड नगर करौंदी कला और कादीपुर कोतवाली के आपराधिक मामलों के लिए लोअर कोर्ट खोलने का आदेश जारी कर दिया है। कादीपुर तहसील मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों की पैरवी पर लोअर कोर्ट चलाने की तैयारी है। जनप्रतिनिधियों का मानना है कादीपुर में लोअर कोर्ट चलने से जनता का हित होगा। वहीं अधिवक्ताओं का आरोप है कि कादीपुर में लोअर कोर्ट की स्थापना से वादकारियों का हित होगा। सरकार अधिवक्ताओं की ताकत को तोड़ने का काम कर रही है। जो गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है जुडिशरी को, अधिवक्ताओं की ताकत को, एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र मैं कहूंगा। और जो हमारी लोअर डिवीजन की जुडिशरी भेजी जा रही है, उससे वादकारियों का क्या अहित हो रहा है, मैं अधिवक्ताओं की बात नहीं कर रहा, मैं वादकारियों का क्या अहित होगा वो आपको बता रहा हूँ। कि सपोज किसी मुक्किल का सेम डे का डायरेक्शन है, तो वो सरेंडर करेगा कादीपुर में और 40 किलोमीटर दूर आकर बहस होगी उसकी 2 बजे जिला जज के यहाँ। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे वादकारियों का हित प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज, हमारी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों जो है वो वर्चुअल कोर्ट्स की बात कर रही हैं, उनको प्रमोट करने की बात कर रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि कादीपुर में नया जेल बने, कादीपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, तो आप वहाँ पे वर्चुअल कोर्ट इस्टेब्लिश करिए और वर्चुअल कोर्ट को सेशंस कोर्ट से कनेक्ट करिए। जो हमारे कादीपुर के अधिवक्ता भाई हैं वो वर्चुअल कोर्ट से वहाँ से ईमेल फाइलिंग कर सकते हैं और ईमेल से पूरी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो अभी कादीपुर में अधिवक्ताओं के बार में कोर्ट चल रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई जेल नहीं है। इस सबसे सबसे बड़ा अहित जो है वो वादकारियों का होगा। अधिवक्ता का हित तो बाद में होगा, वादकारियों का अहित ज्यादा होगा। इसलिए वादकारियों के हित को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमारे अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि हम इस गलत नीति के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अपना ज्ञापन हम लोग ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। सुल्तानपुर को कभी नहीं रही, जब जानकारी हुई तो इसके लिए हम लोग सतत संघर्षशील हो गए हैं और इसके लिए मैंने एजे से भी मिला, उनको ज्ञापन दिया, हम एलआर से मिले उनको भी ज्ञापन दिया, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने हड़ताल के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है, इसलिए हम शांतपूर्वक अपना ये कार्यक्रम जारी रख रहे हैं और आज डीएम साहब को हम लोग इसका ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। अब देखें क्या वहाँ व्यवस्था होती है, तब हम लोग अगली कार्यवाही जो है अपनी जारी रखेंगे। उस आदेश हम चाहते हो आदेश निरस्त हो, पूर्वज जो कोर्ट चल रही है उसी प्रकार चले, उसी उस कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कादीपुर में नए कोर्ट की कोई स्थापना कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है, वहाँ ऑलरेडी एक जूनियर डिवीजन कोर्ट चल रही है। हमारे सुल्तानपुर में सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट ऑलरेडी रन कर रही है, यहाँ सारे दायरे हो सकते हैं। अब तो वर्चुअल कोर्ट भी स्थापित कर सकते हैं मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर। ऐसी परिस्थिति में जो आदेश है बिल्कुल गलत हुआ है और बार एसोसिएशन सुल्तानपुर से कोई राय नहीं ली गई उस समय कि इस तरह की व्यवस्था की जा रही सुल्तानपुर में, क्योंकि हम एक संस्था हैं और विधि संस्था हैं, हमसे राय लेना सरकार का भी सरकार लिए भी जरूरी है और हाईकोर्ट के लिए भी जरूरी है। यह धरना प्रदर्शन हमारा वादकारियों और अधिवक्ताओं के हित के देखते हुए हुआ है कि माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी हमारे बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के अध्यक्ष सचिव महोदय से बिना कोई आदेश लिए, बिना कोई सुझाव लिए, अपने मर्जी से यहाँ से एक न्यायालय कादीपुर में बना रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारे कादीपुर कोर्ट चले जाने से यहाँ से अधिवक्ताओं का अहित होगा, वादकारियों का अहित होगा, वहाँ से वादकारी
किसी भी मामले में घूम करके सुल्तानपुर आएंगे, यहाँ से अधिवक्ता कादीपुर जाएगा, यह कतई संभव नहीं है। शासन और हाई कोर्ट का यह आदेश बिल्कुल निरस्त किए जाने योग्य है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो आदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए हैं, जैसे वहाँ से भी सारे अधिवक्ता महोदय जितने हैं सब धरना देने को तैयार हैं, इस आदेश के खिलाफ हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग शासन स्तर तक कदम उठाने के लिए प्रयासरत रहे। फिलहाल कादीपुर सुल्तानपुर में लोअर कोर्ट की स्थापना को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ता आर पार की लड़ाई की मूड में है। अगर समय रहते बीच का हल नहीं निकला तो अधिवक्ताओं की हड़ताल लंबी खिंच सकती है। ऐसे में हालात में अदालतों में काम काज ठप रहेगा और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। NTTV भारत के लिए सुल्तानपुर से सुजीत कसौंदन की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।